जात के नुमाइंदे हैं। मैंने जुमला पहले भी कहा था, अगर इस जुमले के कहने पर लोगों ने बड़ी सरजनिश की, अल्लाह उनकी सरजनिश फरमाए। मैंने कहा इस वक्त आलम जाहिर में, जुमला दोहरा रहा हूँ, इस वक्त आलम आलम बातिन में, आलम गैब में सरकार वली आसर अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ का वजूद मुबारक मुकद्दस मौजूद है, वो मासूम है, कोई दरमियान में कयास की बात नहीं है, वो मासूम, वो हुज्जत खुदा, वो मंसूस मिन अल्लाह, वो फरजंद जहरा, वो पेशरे पैगंबर, वो उम्मीद जहान, वो है हकीकतन, इसमें कोई शक नहीं है, तकवीनी एतबार से भी, तशरीई एतबार से भी। लेकिन इस आलम जाहिरी में जहाँ इंसानों को तबागीत अपनी तरफ खींच रहे हैं, जहाँ दुनिया में एक से एक सरकश इंसानों को अपना बंदा बनाना चाह रहा है, वहाँ एक जात है सिर्फ उम्मीद आलम बशरियत, और वो है रहबर मुअज्जम हजरत आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनेई की। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। वो जात कभी अपनी तरफ नहीं बुलाती। मुझे ये एजाज हासिल है कि चंद बार उनकी खिदमत में मुशर्रफ हुआ हूँ, हर मर्तबा एक ताजगी रूह लेकर वापस आया। हमें अगर तकवा कहीं मुजस्सम नजर आया तो उस जात में, उस खशियत इलाही, खौफ इलाही अगर देखना हो तो कभी कोशिश कीजिए कि वहाँ पहुँचें और नमाज जुहर में उनके साथ नमाज पढ़ने का इत्तेफाक हो। जब मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर, उस वक्त उनके चेहरे को देख लीजिए। ये वो उलमा हैं जिन्हें देखकर हमें अपने इमाम याद आते हैं। ये वो उलमा, इमाम।